मान लीजिए पदम यात्रा पूरी नहीं जाती है और हाथ निकल जाता है, जो होता है ऋण। और जब ऋण होता है तो अपने जीवन जय होता है या मरण होता है। तो हमने कहा मांगेराम जी यात्रा नहीं है, ऋण होगा, जीवन जय या मरण होगा, आंदोलन की सख्त जरूरत है। धरने से ज्यादा जो लोग हमारे गांव में बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं हमारा आपका आंदोलन में, इस धरने में बैठे हैं हमारे क्रांतिकारी भाइयों का, बुजुर्गों का, जो रोज घर से आके धरने में आके बैठते हैं, अब कोई निर्णय होगा, अब कोई निर्णय होगा, अब उस निर्णय का समय है। अब हम भी बाहर हैं और न्यायपालिका ने हमें जेल से बाहर निकाला है, सरकार का कोई योगदान आपको नहीं मिला। तो बहुत याचना आपने कर ली, अब आगे यात्रा की जरूरत नहीं, अब ऋण की जरूरत है। और ये तो क्रांतिकारी समाज है, इस क्रांतिकारी समाज में तो वो क्रांतिकारी पैदा हुए हैं जिन्होंने एक एक को हजार हजार हाथ वालों को भी धान दिया ना, हाथ हाथ काटे थे, तो ये तो एक त्यागी जेल में बंद था। अब मुझे फंडे लगे 17 लोग चलान पर तो जेल में, उसमें कुछ त्यागी भी थे, कुछ महेंद्र भी थे, वो छूटेंगे तो बताएंगे। एक त्यागी जेल में बंद था, जबरदस्ती जेल में घुसेर दिया और जब पता लग गया कल झूठे तो जबरदस्ती एक दिन पहले निकाल लाए। इसको कहते हैं समाज का भय। समाज भगवान से जमीन पाया और वो समाज कितना ही भले कह ले